थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आप लोग हमारे शो को इतना प्यार दे रहे हैं। यस, वी आर वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग इट। ओके, जाना चाहेंगे जब शुरू हुई जर्नी, फर्स्ट एपिसोड से 200 एपिसोड, कैसा रहा सफर आप लोग का, सेट का, क्या कुछ मेरे शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन बहुत अच्छा ही रहा। हमारी जर्नी स्टार्ट से ही बहुत अच्छी गई और अभी भी अच्छी चल रही है, ऐसे ही चलता रहे बस सब। यस, काफी सुहाना सा सफर। इतना सारा टाइम हम लोग स्पेंड करते ना साथ में, दैट हम लोग एक फैमिली जैसे बन चुके हैं एज ए यूनिट। तो अब जब बड़े बड़े सीन होते, तो पहले आई थिंक सब लोग को थोड़ा स्ट्रेस आता था कि यार बहुत बड़ा सीन है, बहुत बड़ा सीन है। अब आई थिंक वी लुक फॉरवर्ड टू अ बिग सीन, कि फुटेज आ जाएगा और इतनी सारी मस्ती करेंगे, सारे के सारे होंगे, तो हम लोग फिर बड़ी मस्ती करते हैं, तो इट इज फन। मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा था ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिलहाल मेरी बॉडी टाइप जैसी है, हमेशा से वैसी नहीं थी। आई ग्रो अप समवन वाज एन ओवरवेट किड, तो मैं भी थोड़ा फैट हुआ करता था बचपन में। तो आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट, मेरे दिल के बड़े ही क्लोज है ये, कि आप दिखा रहे हो कि आपकी बॉडी टाइप जो है जरूरी नहीं है कि उसी से आपको जज किया जाना चाहिए। तो आपकी अंदर की जो सुंदरता है वो मैटर करती है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। आई वाज एक्चुअली कीन, और ये कैरेक्टर भी डिफरेंट है, मैं जैसा हूँ बिल्कुल भी वैसा नहीं है दिव्यम बंसल। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड था, मैंने बोला ये करने में मजा आएगा, इट्स अ गुड चैलेंज। सेम एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि ऐसे शोज बनते नहीं है यूजुअली। इन्होंने बहुत अलग टॉपिक पे बनाया था, एंड पर्सनली मैं कभी ऐसा यू नो बुली नहीं हुई हूँ वेट को लेके, क्योंकि मैं खुद में हमेशा से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रही आई हूँ। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने देखा है बुली होते हुए, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा रिलेट हुआ था, क्योंकि मैं नहीं हुई तो मुझे फील करना था कि इफ यू नो ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसको इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, बट उसका मन इतना अच्छा दिखाया है ना करने के लिए। तो सेम वही दिव्यम और मनन जैसे बहुत डिफरेंट है, राधिका और तनिष बहुत डिफरेंट है। राधिका इज लाइक वेरी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, वो एक यू नो सनशाइन जैसी है, तो इसलिए आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग दिस कैरेक्टर। पहला शो है तो ऑफकोर्स स्पेशल है हमेशा। मम्मा इज वेरी हैप्पी, अभी वो सेट पे भी आए हुए हैं आज तो, एंड समटाइम्स शी स्टिल कांट बिलीव दैट आई एम द लीड ऑफ द शो, एंड शी इज लाइक ओह यू आर डूइंग द शो। मैं आपसे जानना चाहती हूं, इससे पहले भी आपने शो किया, अनुभव इसमें क्या डिफरेंस है? अनुभव और दिव्यम में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अनुभव एक बहुत ही सीधा साधा अच्छा और बहुत ही सभ्य किस्म का बच्चा, जिसके ऊपर का पहला बटन भी ऐसे बंद होता था और बाल ऐसे होते थे। यहाँ मेरे पहली मेरी एंट्री ऐसे हुई है कि नो दिव्यम इज या लाइक यू नो इज समवन हु इज वेरी फ्लैम्बॉयंट और बहुत ही कट थ्रोट चीजें चेहरे पे बोल देता है, बट ही डजंट रियली केयर एट टाइम्स, इज वेरी कनेक्टेड टू हिज फैमिली, बट वो चीजें जैसी हैं वैसे की वैसे मुंह पे बोल देगा। वो काफी काफी डिफरेंट है, राइट फ्रॉम द लुक टू व्हाट द कैरेक्टर फील्स। अनुभव और दिव्यम में जमीन आसमान का फर्क। पॉजिटिव कमेंट्स हुए तो नेगेटिव कमेंट्स भी काफी आते हैं, कुछ चाहे तनिष्क के लिए हो या आपके लिए भी आते हैं। नहीं एक्चुअली हमें लेके कभी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए हैं, जो शो में नेगेटिव है उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते होंगे, पर आई गेस मनन और मैं दोनों कभी भी ऐसा हमने कुछ हेटरेड फेस नहीं किया है। या और आई थिंक मैं थोड़ा मतलब मेरे फैंस की शिकायत भी रही है कि मैं इतना ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता, मेरे कमेंट्स पे इतना ध्यान होता नहीं है, तो मुझे जनरली इतना जरूर पता चल जाता है कि बहुत प्यार मिल रहा है। तो अगर जो कहीं ना कहीं हेटरेड मिल रहा है तो वो भी प्यार में बदल जाएगा बहुत जल्दी। नहीं नहीं मिल रहा है, I'm very keen about it ना, मैं तो देखती हूँ। हाँ देखो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तनिष बोलती तो मैं मान लेता हूँ। ओके तनिष आपसे जाना चाहेंगे, शो के वैसे तो आपको वेट गेन और करना पड़ा है या उतने से नॉर्मल है? नहीं मुझे वेट गेन करवाया था इन्होंने, बट वो मेंटेन हो नहीं पाता है मुझसे, तो ऊपर नीचे चलता रहता है, बट ठीक है इतना ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा था मुझे। आप भी जाना चाहिए, जब आप काम करते हो तो डीआरपी काफी ज्यादा मैटर करता है, तो क्या कहना चाहेंगे, डीआरपी भी अच्छी है शो की,
अभी जस्ट मैंने अभी देखा काफी अच्छी टीआरपी है, एक आपकी शो की और सेम इसी का स्पिन ऑफ मन सुंदर का, क्या कहना चाहेंगे? मतलब टीआरपी इज अगेन अ रिफ्लेक्शन के ऑडियंस को कितना पसंद आ रहा है हमारा शो। तो कई बार हम एक होती है चीज और एक होती है उसकी परछाई, परछाई पे फोकस करने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो टीआरपी इज मोर लाइक द शैडो, द परछाई। तो हम लोग हमारे कंटेंट पे काम कर रहे हैं और लोगों को हमारी स्टोरी बहुत पसंद आ रही है, कैरेक्टर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, सो बस वो टीआरपी में झलक जाता है। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, और ऐसे ही राधिका और दिव्यम को आप लोग पसंद करते रहिए और हमारा शो देखते रहिए। थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे शो को देखने के लिए, और रोज शाम को 7:30 बजे हमें दंगल टीवी पे अपना प्यार देते रहिए।